जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर साहब एंड सबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मलिया फातिमा हमारे साथ हैं आज। आज इस सेशन का मकसद ये था कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो थे वो हमारे पास इकट्ठे हो गए थे। हम चाह रहे थे कि हम उसको इस तरह से समराइज करें कि देखने वाले भी इसको समझ जाएं और हम भी बड़ा आसानी से समझा सकें, जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको भी समझ आए और जो लोग देखने वाले हैं उससे भी उनको भी फायदा हो जाए। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सबा, आप प्लीज स्टार्ट करें। जो आपको सोशल मीडिया पे ग्रोथ हैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारी कुछ पोस्ट हैं उन पे जो क्वेश्चंस आए हैं, तो आप डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है डॉक्टर तारिक से कि एक फार्मर ने सवाल किया है, गुलाम मुस्तफा नाम है उनका, बूरे वाला से है। वो कह रहे हैं कि हम कैनोला या सरसों की कौन सी ऐसी इकसाम कास्ट करें जिससे हमारी जो है वो पैदावार अच्छी है, और दूसरा कोई हमें ऐसा बीज कंपनी का सजेस्ट कर दें जो अच्छा बीज हो। जी अस्सलाम वालेकुम, हमने इससे पहले भी एक दो सेक्शन ऐसे रखे जिसमें हमने किसानों को जवाब दिए राया और सरसों की काश्त के हवाले से। तो अगर हम पंजाब की सतह पे बात करें तो पंजाब के अंदर आरी कैनोला, रचना कैनोला, खानपुर कैनोला, ये ऐसी अकसाम हैं जिनकी 35 से 40 मन तक पैदावारी सलाहियत है इन वैराइटीज की। तो हम आमतौर पे जो कैनोला की या राया की इन्हीं वैराइटीज को हम रिकमेंड कर रहे होते हैं फार्मर को। तो इसमें इसके अलावा भी जैसे PARC कैनोला है, सुपर कैनोला, ये भी एक अच्छी किस्म है। बांदर कैनोला मैंने पहले बता दिया, और कुछ कंपनीज जो हैं जैसे अली अकबर है, मरकरी सीड्स हैं, या और जैसे FMC है, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हाइब्रिड्स भी दे रही हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत अच्छी है, तो उनको भी हम देख सकते हैं। अब इनको काश्त कब कब करना है, तो इसकी दो मौसम हैं। एक है खरीफ अकसाम जिसमें तोरिया वगैरह काश्त करते हैं, और दूसरी है रबी अकसाम जो कि कैनोला और राया की है। तो रबी अकसाम जो हैं वो 15 सितंबर या 20 सितंबर से हम 31 अक्टूबर तक लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उनको अक्टूबर के पहले हफ्ते या 10 अक्टूबर तक काश्त कर लें, अगर हम 15 सितंबर से शुरू कर रहे हैं काश्त। जबकि जो तोरिया की अकसाम है, जो खरीफ अकसाम है, वो 15 अगस्त से हम काश्त करना शुरू कर देते हैं। आजकल भी उसकी काश्त की जा सकती है, तो 15 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक या 15 सितंबर तक हम इसको लगा सकते हैं। आरी कैनोला जो है इसको भी हम 15 सितंबर से 30 सितंबर तक काश्त कर सकते हैं। तो ये कुछ अकसाम है जिनका मैंने नाम लिया, तो इनको हम बेहतर पैदावार के लिए सितंबर के महीने में काश्त कर सकते हैं। सिर्फ तोरिया एक ऐसी किस्म है जिसको हम 15 अगस्त को काश्त करते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब इसमें एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जो इसके सीड्स होते हैं उसमें कोई क्लासिफिकेशंस होती है कि कुछ नहरी इलाके के लिए अलहदा होते हैं और बरानी इलाके के लिए अलहदा होते हैं, या एक ही तरह का सीड दोनों एरिया में जो है वो स्वाइन किया जाता है? जी, जिनके मैंने नाम लिया जैसे सुपर राया है, खानपुर राया है, चकवाल राया है, और बारानी सरसों है, इनको हम पूरे पंजाब में भी लगा सकते हैं। लेकिन चकवाल राया, सुपर राया, खानपुर राया और बारानी सरसों, ये वो अकसाम है जिनको हम प्रेफरेबली तरजीहन हम इनको बारानी इलाकों में काश्त कर सकते हैं। थैंक यू। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपके सोशल मीडिया से आपको आया हो? आपकी आवाज नहीं आ रही क्रिकलैन, आप आपके शायद हेड फ्री का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है। जी सर, सर जो हमारे सोशल मीडिया के फार्मर्स हैं वो हमारी सर्विसेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम जो है ग्रोटेक्स सर्विसेज लेकर अपनी खादें कैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल खादों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, अवेलेबल भी नहीं है, प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वो कैसे थोड़े से खादें यूज़ कर ज़ाया होने से भी बच सकती हैं प्लस उनके खर्चा भी बच सकता है?
इसका मैं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा डिजिटल उसका जवाब देता हूँ, उसके बाद टेक्नोलॉजी के अलावा जो है वो साइंटिफिकली डॉक्टर साहब भी दे देंगे आंसर। बेसिकली होता ये है, सबसे पहले तो समझिए ग्रो टेक टेक्नोलॉजी है क्या है। बेसिकली इट्स अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये अब आई है। अब उसमें होता ये है कि सबसे पहले तो वो ग्रो पार्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करता है फार्मर। डाउनलोड करने के बाद वो एक मैप बनाता है, गूगल मैप के थ्रू जाके वो अपनी पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद जो है वो काम ग्रोटेक का स्टार्ट होता है कि हम जो है वो बैकएंड से उस एरिया को ट्रिगर करते हैं, और ट्रिगर करने के बाद हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है उस एरिया में ये देख लेते हैं कि अगर वहां पे नाइट्रोजन कि कहाँ पे कितनी नाइट्रोजन पड़ी हुई है उसकी, और कहाँ पे कितना फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, कहाँ पे कितना कार्बन पड़ा हुआ है। अब कार्बन जो होता है वो बेसिकली बेस होती है फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए। अगर कार्बन जमीन के नीचे नहीं है तो आप जितनी मर्जी ऊपर फर्टिलाइजर अप्लाई कर दें वो जाया हो जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जमीन का एक्सरे करके फार्मर को पहले दे देते हैं कि आपकी जमीन में इस पैच में कार्बन पड़ी हुई है, इस पैच में कार्बन नहीं पड़ी हुई। जिस जगह पे नहीं पड़ी होती हम उसको वहां पे जो डॉक्टर साहब की टीम है, एग्रोनॉमिस्ट की टीम जितनी भी है वो, और मलिया जो है ये इनकी टीम, ये उनको बाकायदा तस्वीर से आइडेंटिफाई करके कि ये वो जगह है जहाँ पे कार्बन नहीं पड़ी हुई, आप वहां पे कुदरती खाद जिसको गोबर कहते हैं या पोल्ट्री मेनोर जो आपको मुर्गी खानों से मिल जाती है कुदरती खादें, वो उन जगहों पे पहले उनको फिल करते हैं, और फिल करने के बाद फिर उनको कहते हैं कि यहाँ पे आप फर्टिलाइजर अप्लाई करें। तो होता यह है कि जो फर्टिलाइजर अप्लाई जहां भी होता है वो फिर जाया नहीं होता, वो पूरा का पूरा जो है ना वो इंड्यूज हो जाता है। अदरवाइज जिन जो पैचेस खाली रह जाते हैं जहां पे कार्बन नहीं पड़ा हुआ तो वो वहां पे फर्टिलाइजर जाया हो जाती है। अब डॉक्टर साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको खाद का बताऊं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। जी, इसमें बुनियादी बात तो आपने जैसे कर दी है कि हमें खादों के इस्तेमाल को बेहतर करने और उसको पौधों की जड़ों के जो रूट जोन उसको हम बोलते हैं उसमें मुहैया करवाना होता है। तो आमतौर पे फार्मर नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल बार बार कर रहा होता है किसी भी फसल के अंदर। अब उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि नाइट्रोजन बहुत थोड़े टाइम के लिए जमीन के अंदर मौजूद होती है, और फिर वो जितनी पौधे ने जड़ों में लेनी होती है वो इस्तेमाल हो जाती है, और बाकी वाला जो नाइट्रोजन है या वो वोलेटिलाइजेशन के जरिए से हवा में चली जाती है गैसों में तब्दील होके, या फिर वो जमीन के अंदर पानी के जरिए से लीचिंग हो जाती है, जमीन की नीचे जड़ों के नीचे रूट जोन से नीचे पानी के जरिए से गहरे वो चले जाती है, जिससे वो जाया हो जाती है और पौधे को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इसलिए हम जो रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे अब्दुल समद, हम उस टेक्नोलॉजी के जरिए से किसानों को ये बता देते हैं कि आपने जो पिछली फसल में नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल की हैं या जो अभी आपने डाली है बिजाई के वक्त, तो बिजाई के बाद वो जमीन के अंदर कितनी मौजूद हैं, ताकि अगली जो नाइट्रोजनी खादें हैं उसके तनासब से आप डालें। और इसी तरह सिर्फ हमने नाइट्रोजन को ही पूरा नहीं करना होता, बल्कि उसके अलावा जो फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, बोरान है, सल्फर है, या दूसरे गजाई अज्जा जो पौधों को जरूरत होती है उनको भी मुहैया करवाना होता है। तो हम वो सारे गजाई अज्जा का मरहला वार इस्तेमाल तजवीज़ करते हैं किसानों को। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब नाइट्रोजन का किसान को पता लग जाता है कि मैंने 10 एकड़ में, 15, 20, 50 एकड़ में नाइट्रोजन की आधी आधी बोरी डाली थी बिजाई के वक्त, या एक बोरी डाली थी पहले पानी पे, तो अब वो कितनी नाइट्रोजन जमीन के अंदर मौजूद है, ताकि वो अगली जो उसने नाइट्रोजन डालनी है उसके मुताबिक डाले, और उसकी जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो ना डाले, जिससे उसकी नाइट्रोजन जाया होने से बच जाएगी। उसके खास तौर पर नाइट्रोजनी खादों के अखराजात में तकरीबन 20 से 25% कमी आती है। इस दफा जो गंदम की पैदावार रही, चूंकि वो मुतासिर भी हुई गर्मी की शिद्दत की वजह से, जो पिछले साल फार्मर ने गंदम उठाई, लेकिन उसके बावजूद जिन किसानों को हमने जजिया करके दिया खादों का, जमीन के अंदर मौजूद नाइट्रोजन का, उनकी आधी नाइट्रोजन कम इस्तेमाल हुई। यानी अगर पहले वो 4 बैग डालते थे गंदम की फसल को, तो इस दफा उन्होंने 2 या 2.5 बैग डाले। तो इस तरह उनकी 1.5 से 2 बोरी यूरिया ही हमने सिर्फ इस एनालिसिस, इस तजिए की मदद से सेव करवा दी। इसी तरह हमने फास्फोरस की खादों का इस्तेमाल भी तकरीबन हमने आधा कम किया तकरीबन। यानी अगर वो पहले 2 बोरियां डालता था तो हमने उसको 1 बोरी रिकमेंड की, और उसकी जगह हमने उसको पोटाश रिकमेंड की, क्योंकि पोटाश का भी इस्तेमाल
गंदम के अंदर लाजमी करें। आमतौर पर किसान नहीं करता पोटाश का इस्तेमाल, तो यही वजह रही कि उनकी गंदम जो है वो गर्मी की शिद्दत के बावजूद उस गंदम की पैदावार जो है वो बेहतर रही। गर्मी का असर, शिद्दत का असर तो हुआ, लेकिन एवरेज पैदावार किसानों के पिछले साल की नस्बत बेहतर रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो ग्रोटेक की सर्विस ले लेता है, उसके 10 एकड़ हैं, वो अपने 10 एकड़ के मुताबिक हम उसको एडवाइस दे देते हैं कि आपकी कार्बन के कहाँ कहाँ पैचेस कम है, कहाँ ज्यादा है, आपने ऐसे अप्लाई करना है। तो उसके बिल्कुल साथ वाला जो फार्मर है जिसके पास भी 10 एकड़ 15 एकड़ पड़े हुए, तो क्या वो सेम एप्लीकेशन वो भी कर सकता है अपने उस पर, या उसकी जमीन डिफरेंट होती है? जी बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, आमतौर पे किसान कुछ दोस्त ये भी समझ लेते हैं कि मेरे साथ वाले ने तजिया करवा लिया है तो मैं उसी से मशवरा लेके, वो भी तो उसने भी तो ग्रोटेक से मशवरा लिया है तो मैं भी उससे मशवरा करके मैं भी उतनी खाद डाल लूं। तो अब सवाल ये है कि अगर तो उसने खादों का इस्तेमाल पिछली फसल में दूसरे किसान के मुताबिक किया था, फिर तो अगर वो करता है उसके मुताबिक इस्तेमाल, फिर तो कोई जस्टिफिकेशन भी बनती है, कोई समझ में भी आती है बात कि इसने पिछली फसल में खादों का इस्तेमाल उतना ही किया है जितना साथ वाले ने किया है, लिहाजा अब वो कम कर दे, ग्रोटेक के कहने पे उसने कम कर दिया तो मैं भी कम कर दूं, तो ये तो बात समझ आती है। लेकिन आमतौर पर किसानों का फसलों का इंतखाब भी मुख्तलिफ होता है और फसलों के अंदर खादों का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर किसान के लिए जरूरी है कि जो अपने अपने खेत अपने अपनी जरूरत के मुताबिक फसलें काश करता है और खादों का इस्तेमाल करता है तो वो अलग से अपनी जमीन का तजिया करवाए ताकि उसकी जो पिछली फसल में खादें इस्तेमाल हुई उनका अंदाजा लगा के फिर अगली फसल के लिए वो खादों का प्लान मंसूबाबंदी ग्रोटेक की सिफारिशात के मुताबिक कर सके। ओके थैंक यू जी। सबा, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया से आए हो तो आप पूछें। जी सर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि आवाज नहीं आ रही सर, अब आ रही है आवाज? हेलो, आई थिंक सबा का ना माइक काम नहीं कर रहा अभी। कुरुतलैन, आप आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सबा आप चेक कर लें, आपका माइक का कोई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। यस सर, जैसा कि आपने खादों के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और इसी तरह जो हमारी एक पौधों की सेहत के तज्जिया और पानी की दस्तियाबी के तज्जिया के रिपोर्ट्स भी हम लोग देते हैं फार्मर्स को, तो इसमें जो पानी की दस्तियाबी के तज्जिये की रिपोर्ट्स हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है फार्मर्स को, और क्या फार्मर का फार्म पे होना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, थोड़ा सा इस पर बता दें। तो उसमें इसमें यह है कि बेसिकली रिमोट सेंसिंग से जब हमें पता ये चलता है कि पौधे के अंदर जो है ना मॉइस्चर का लेवल कितना है, और वो हमें इमेजरी में पता चल जाता है। अब हम फार्मर को बता देते हैं कि उसके फार्म में कौन कौन से ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है। मॉइस्चर अवेलेबल मतलब पानी में उस पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। अगर वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता तो वो उसका कलर एक तो चेंज हो जाता है, और दूसरा अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते कि आपके किस एरिया में पानी की जरूरत है और किस एरिया में नहीं। अगर किसी के 10 एकड़ का प्लॉट है किसी का, तो वो आप एक एक जगह पे जाके तो सॉइल को नहीं देख सकता कि यहाँ पे पानी है या नहीं है, समटाइम नेकेड आई से पता भी नहीं चलता। तो वो इट डिपेंड ऑन क्रॉप कि किसी क्रॉप को ज्यादा चाहिए होता है, किसी क्रॉप को कम चाहिए होता है। हमारी टेक्नोलॉजी एज पर क्रॉप एनालिसिस करती है कि इसको इस वक्त पानी की जरूरत है या नहीं है, एक तो ये पता चल जाता है। दूसरा, अगर हमें पता चल जाए कि किस एरिया में पानी की, फॉर एग्जाम्पल 8 एकड़ में से 4 एकड़ नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं आइडेंटिफाई करके वो एरिया कि आपने सिर्फ इधर पानी लगाना है, उधर नहीं लगाना। तो जो उसका 4 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है वो 2 घंटे चलेगा, और वो भी राइट जगह पे अप्लाई होगा पानी। तो इस तरह से उसकी दो तरह से बचत होती है, एक तो उसके टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा उसका पानी भी बच जाता है कि उसके 8 एकड़ के बजाय सिर्फ 4 एकड़ पे पानी लगाता है, बाकी पे वो पानी नहीं लगाता, तो इस तरह से उसका टाइम भी बच जाता है। सॉरी, और दूसरा कोई क्वेश्चन था आपका? यस सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो सारे तज्जिये हैं ये इनके लिए जो फार्मर है, क्या उसका फार्म रोज विजिट करना जरूरी है, तो इस तरह इसका अगर आप बता दें। इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का मकसद ही ये है कि हमने फार्मर्स को ना उनका एक तो टाइम सेव करना है, ठीक है, और दूसरा हमने उसकी कॉस्ट सेव करनी है, ट्रेवलिंग कॉस्ट सेव करनी है। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप अभी लाहौर में बैठी हुई हैं, लेकिन हम दोनों एट अ टाइम जो है
वो देख सकते हैं एक किसी के फार्म को और उसको डिजाइन करने के बाद, ट्रिगर करने के बाद हम उसके सारे एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो फार्मर का फॉर्म पे होना जरूरी नहीं है। फार्मर अगर फॉर एग्जांपल फार्मर लाहौर में रहता है, कराची में या इस्लामाबाद में रहता है और उसकी जमीनें रहेंगे खान में, तो वो अपनी करंट लोकेशन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद और गूगल मैप के थ्रू अपने फार्म पे जाके और उसको पहले टैग करेगा, फार्म बनाएगा, प्रोफाइल इनिशियली पूरी की पूरी वो एंटर करने के बाद जब वो ट्रिगर कर लेगा, तो उसके बाद हम बैकएंड से उसके जब एनालिसिस है इमेजरी उसी पर उसको प्रोवाइड करके बाकी एनालिसिस जो है डॉक्टर की टीम जो है उसको वीकली बेसिस पे देना शुरू कर देगी। फार्मर का फॉर्म पे होना जरूरी नहीं है, वो कहीं से रिमोटली भी अपने फॉर्म को बना के मॉनिटर कर सकता है। सबसे प्लस पॉइंट ये कि हम वीकली रिपोर्ट जनरेट करते हैं प्लांट हेल्थ की, वाटर स्ट्रेस की, नाइट्रोजन की, तो हर वीक उसको पता चल रहा होता है कि उसके फार्म में अभी क्या चेंजेस आ रही हैं, आइदर उसको प्लांट की ग्रोथ इक्वल हो रही है या नहीं हो रही। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट दरमियान से जो है वो रेड एरिया होना शुरू हो जाता है और सराउंडिंग्स उसकी ग्रीन रहती हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है इस चीज की कि जो उसके दरमियान में पौधे लगे हुए हैं प्लॉट में, आइदर या तो उन्हें सोइंग लेट की है, अगर सोइंग सेम टाइम पे हुई है तो कोई ऐसी वजह है जो उसकी ग्रोथ इक्वल नहीं हो रही, तो ये उसको स्काउटिंग में आसानी हो जाती है और टाइम बच जाता है उसका। दूसरा ये है कि उसको पानी का पता चलता है कि मॉइस्चर लेवल हर हफ्ते कितना से डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ये पता चल जाता है उसको। फिर नाइट्रोजन अगर उसको है वो भी हर हफ्ते नई अपडेट होती है, तो उससे ये पता चलता है कि कितनी नाइट्रोजन यूज हो चुकी है और कितनी कम रह गई है। तो ये वीकली एक रिपोर्ट ग्रोटेक की तरफ से जनरेट होती है और वो उसको मिल जाती है। फार्म पे वो ना भी हो तो उसके जो फार्म मैनेजर्स होते हैं, जो उसके वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, वो उसको रिमोटली बता सकता है कि अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना, एडवाइजरी उसको। जी सर, इसमें एक मोर पॉइंट मैं ऐड कर दूं। अब्दुल समद ने काफी अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। एक चीज इसमें ऐड कर देता हूं कि पानी का जो इस्तेमाल है किसान आमतौर पे नेकेड आई से वो कर रहा होता है, खुली आंख से देख रहा होता है पत्तों को, पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं, पत्ते की हालत कैसी है, और जाहिर है उसको फिर पूरे अपने 10 एकड़ घूम के सारे पूरे 10 एकड़ का अंदाजा लगाने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो उसको एक ही एकड़ का विजिट करके, एक ही एकड़ के पत्ते देख के, पौधे देख के वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि 10 के 10 एकड़ को पानी की जरूरत है। तो जब हम इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं रिमोट सेंसिंग की, तो इसमें ये होता है कि फार्मर को एक ही तस्वीर के अंदर अपने 10 के 10 एकड़ का नक्शा पता चल जाता है कि कहाँ उसके पत्ते के अंदर पानी की कमी हो रही है, किस हिस्से में, कौन से एकड़ में, पहले एकड़ में, दूसरे एकड़ में। हो सकता है उसके 4-5 एकड़ में पानी की कमी 3-4 दिन में आ रही है, तो वो अब उसको 4-5 दिन में के बाद उसको सिर्फ उसी के लिए ट्यूबवेल चलाने की जरूरत है और बाकी के 5 एकड़ के लिए ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें यह है कि जब आमतौर पर किसान चूंकि खुली आंख से देख रहा होता है पत्तों को, तो उसको ये भी अंदाजा नहीं हो रहा होता कि ये जो पत्ते हैं इनमें सारे पत्तों का ये हालत यही है या सिर्फ इस हिस्से की, जिस हिस्से को वो देख रहा है यही है। इससे क्या होता है कि आमतौर पे जब फार्मर पानी लगाता है तो वो ये कहता है, अच्छा मैंने एक हिस्से को तो मैंने मुझे ठीक लग रहा था, दूसरा हिस्सा मुझे कमजोर लग रहा था, क्यों ना मैं आधी बोरी यूरिया भी डाल दूं कि फसल जो जहां से पीली है वो हरी हो जाए। अब इस तरह जब किसान जो है वो अपने जाती अंदाजे से पानी लगाने के साथ साथ यूरिया खादों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा होता है तो उसके अखराजात बढ़ रहे होते हैं। जब फसल आती है तो वो कहता है, वो मेरे साथ वाले ने तो 2 बोरियां डाली थी, मैंने 4 बोरियां डाली, उसकी पैदावार भी 40 मन है, मेरी पैदावार भी 40 मन है, उसने 2 बोरियां कम डाल के भी 40 मन पैदावार ले ली, मैंने 2 बोरियां ज्यादा डाल के भी मेरी 40 मन आई। तो जब ये चीजें फार्मर को पता चल जाती हैं टेक्नोलॉजी के जरिए से कि उसको कहाँ सिर्फ पानी लगाना है और कहाँ सिर्फ खाद डालनी है, तो फिर उसके मुताबिक जब उसकी फैसला साजी में टेक्नोलॉजी के जरिए से जब वो करता है तो उसकी फैसला साजी बेहतर होती है और उसको उतने ही उसके खराजात भी कम होते हैं और पैदावार भी बेहतर आती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सभा, आपके पास क्वेश्चन थे कुछ? जी सर, सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि कैनोला सरसों में बीज या खाद की जो मिकदार है उसके बारे में काइंडली जो है अगर डॉक्टर तारिक जो हमें गाइड करते। दोबारा बताइएगा। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अभी आ जी रही है। सर जी, बीज और खाद की मिकदार के बारे में सर, कैनोला और सरसों में उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दे। जो कैनोला है इसका जो बीज है वो 2 से 2.5 किलोग्राम इस्तेमाल होता है फी एकड़ बिजाई के लिए, और खादों की मिकदार जो है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि खादों की मिकदार हम तजिया करने के बाद
हम जमीन की जरखेजी का, जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मकदार का तयन करके तजिया की मदद से फिर हम किसानों को रिकमेंड करते हैं कि उनको कितनी खाद इस्तेमाल करनी है और कौन से एकड़ में करनी है, कौन से एकड़ में ज्यादा करनी है, कौन से एकड़ में कम, तो इसका तो हम तजिया करके बताते हैं। अगर किसान ये कहता है कि मैंने तजिया करवाया हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है, तो वो अपनी जमीन के तजिए की रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर देता है, तो फिर हम उस रिपोर्ट को देख के भी हम उसको एवरेज जो खादों की मिकदार है उसके जमीन के तजिए की बुनियाद पर जो उसने लेबोरेटरी से करवाया है उसकी मदद से भी हम उसकी रहनुमाई कर देते हैं। तो चाहे वो तजिया हमसे करवाए चाहे वो लेबोरेटरी से करवाए, उसको बहरहाल तजिया लाजमी करवाना चाहिए ताकि उसको मुताबिक उसको खादों के इस्तेमाल में मदद मिल सके और बेहतर पैदावार के हसूल में मदद मिल सके। जी कुरुकलैन, आपके पास क्वेश्चन थे कोई? उनकी लाइन अभी कनेक्ट नहीं है। सबा, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जो सोशल मीडिया पे तो फेसबुक पे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन लग रहे थे। जी सर, सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सरसों की कोई ऐसी किसान बताएं जिसका झाड़ ज्यादा हो, क्योंकि वो अच्छी जो है प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसके बारे में भी अगर डॉक्टर तारिक साहब काइंडली सजेस्ट करें। जी कुछ अकसाम तो मैंने पहले बताई हैं, उनको भी देखें, और दूसरा हाइब्रिड अकसाम हैं वो भी हम देख सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, अली अकबर की, FMC की, सेंजेंटा की है, सोनी धरती की है, चीमा आई थिंक चट्टा सीड्स की भी है। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं ये जो प्रोवाइड करती हैं हाइब्रिड सीड, तो हमें हाइब्रिड सीड को भी देखना चाहिए क्योंकि हाइब्रिड सीड की जो पैदावार है वो जो हमारी कन्वेंशनल वराइटीज हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि हमें अपने इलाके के हिसाब से जो हाइब्रिड अकसाम है उनको काश्त करना चाहिए। इसकी वजह क्या है हाइब्रिड अकसाम को काश्त करने की, कि चूँकि आजकल मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, कहीं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो हाइब्रिड अकसाम जो होती हैं फसलों की, इनके अंदर जो ज़्यादा बारिशें या ज़्यादा गर्मी या कम जो ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो हमारी देसी वराइटीज़ है उनके मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए हाइब्रिड अकसाम को लाजमी काश्त करना चाहिए। अगर आप सारे एकड़ पे नहीं कर सकते तो अगर आपके पास 5 एकड़ हैं तो आप 2 एकड़ पर हाइब्रिड करें और 3 एकड़ पर दूसरी करें ताकि आपको एक मुवाजना करने में भी। ग्रो टेक कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोएकार लाते हुए न सिर्फ फसलों का तजिया बल्कि मरहलावार मुशाहदे के नतीजे में किसानों के मसाइल का बर वक्त हल मुहैया करती है। हमारा मकसद किसानों के मुनाफा को 40% तक बढ़ाना और तमाम सर्विसेज उन्हें घर बैठे मुहैया करना है। हमारे जरई माहरीन आपकी जमीन की जरहेजी और फसल को मद्देनजर रखते हुए तमाम फसलों के दौरानिए पर आपको तजिए और तजावीज देते हैं। अब आप कहीं भी बैठे अपने मोबाइल में एक क्लिक पर खेत का तजिया, एग्री कॉमर्स और दीगर अवामिल से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारी नुमाया सर्विसेज में शामिल है हमारे जरई माहरीन के तजिए और तजावीज, पानी और फसल की सेहत का तजिया, नामियाती कार्बन और नाइट्रोजन का तजिया, फॉर्म मैनेजमेंट, एग्री कॉमर्स, खादों की अफादियत। ग्रो पार्क सर्विसेज के जरिए हम आपकी खादों को जाया होने से बचाते हैं और खादों को रूट जोन में मुहैया करवाकर इसकी अफादियत को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। सैटेलाइट रिपोर्टिंग, जिसमें सैटेलाइट के जरिए ली गई खेत की तस्वीर का तजिया और तजावीज और फसल से मुतल्लिक तमाम मालूमात रिपोर्ट की शक्ल में फराहम की जाती है। ज़रई माहरीन की राय, जिसका मकसद आपके पैदावारी अखराजात को कम करना और फसलों की पैदावार को बढ़ाना होता है। इसके अलावा तमाम मसाइल का फौरी हल फ्राहम करना है। हम आपको अपनी ऐप के जरिए तमाम फसलों की रहनुमाई फ्राहम करते हैं जो फसलों की बीमारियों और मरहलावार देखभाल के लिए बहुत मुफीद है। मौसम का हाल, आप हर वक्त अपने खेतों के मौसम के अहवाल से बाखबर रहते हैं चाहे आप मुख्तलिफ इलाकों में ही क्यों ना हो। ताज़ा खबरें, जिससे आप हर वक्त तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ग्रो पाक, हर किसान की जरूरत।